ज वेलकम बैक टू इंग्लिश ऑन ज़ोन. दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑन द टॉपिक वर्ब्स हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि वर्ब्स क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं तो जल्दी से हम वर्ब की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं वर्ब्स आर द वर्ड्स नैट डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट ऑफ बींग वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं या हमारी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग थिंकिंग डांसिंग जम्पिंग एटसेट्रा नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ वर्ब्स हमने इलेवन टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ी हैं जिनके अभी हमने सिर्फ फाइव टाइप्स को डिटेल में पढ़ा है लेटअर्स रिवाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स एक्शन वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स एंड देर आर अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स तो हमारी आज की वीडियो में हमारे जो लेफ्ट ओवर सिक्स टाइप्स बचे थे हम उनको रिवाइज करते हैं द फर्स्ट टाइप विच वी विल टेक टूडे इज ट्रांजिटिव वर्ब्स अब ये ट्रांजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं हिंदी में हम इनको सकर्मक क्रिया कहते हैं ट्रांजेटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट मीनिंग ट्रांजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपने ऑब्जेक्ट अपने मीनिंग को कम्प्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है द ऑब्जेक्ट शुड बी अ नाउन और अ प्रोनाउन और वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ब के बाद कोई प्रिपोजिशन आता है या एडवर्ब आता है तो हम उसको ट्रांजेटिव वर्ब का पार्ट नहीं मानेंगे ठीक है लेट अस स्टडी द एग्जाम्पल्स द बॉय वॉज फ्लाइंग अ काइट ही अव हिम अ चेक अब हम पता कैसे करेंगे कि ट्रांजेटिव वर्ब है या इन ट्रांटिव वर्ब है तो इसको पता करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि जो हमारी वर्ब होती है उसमें हम क्या या किसको वाला क्वेश्चन लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल लेटर्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल द बॉय वॉज फ्लाइंग अ काइट हम इसमें से सबसे पहले मेन वर्ब फाइंड आउट करेंगे वॉट इज द मेन वर्ब हे फ्लाइंग अब फ्लाइंग में हम क्या क्वेश्चन पुटअप uh, करेंगे द बॉय वॉज फ्लाइंग फ्लाइंग अगर क्या का आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है तो वो क्या फ्लाई कर रहा है kite. A kite. तो हमें fly, uh, fly में क्या लगाकर उसका आंसर मिल रहा है तो उसका मतलब यहाँ पर फ्लाइंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ही गेव हिम अ चेक उसने उसको क्या दिया उसने उसको क्या दिया हमें क्या का आंसर मिल रहा है ना चेक तो इसलिए यहाँ पर गेव भी हमारी ट्रांजेटिव वर्ब है आई होप यू अंडरस्टूड आर आर वर्ब्स वर्ब्स नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स अब ये इन ट्रांजेटिव वर्ब्स ऑपोजिट होती हैं इन ट्रांजेटिव वर्ब्स डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कम्पलीट देर मीनिंग इनको अपना मीनिंग कम्प्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है बस सब्जेक्ट और वर्ब अपना मीनिंग खुद कंप्लीट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल द बर्ड फ्लू यहाँ पर द बर्ड सब्जेक्ट है और फ्लू यहाँ पर वर्ब है अगर हम फ्लू के बाद क्या लगाएंगे क्या फ्लू करा तो हमें फ्लू के आगे क्या लगाकर कोई आंसर नहीं मिल रहा है इनफैक्ट हमारा क्वेश्चन ही गलत हो रहा है तो उसका मतलब फ्लू यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब है सिमिलरली द नेक्स्ट स्टेटमेंट द लाइन बाग्ड लाइन ने क्या बाग किया लेकिन क्या बाघ किया ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना तो इसलिए यहाँ पर फिर से क्या लगाकर हमें आंसर नहीं मिल रहा तो अगेन बाग्ड इज एन इन ट्रांसेटिव वर्ब तो ट्रांजेटिव वर्ब में क्या और किसको क्वेश्चन पुट अप करने से हमें अगर आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांसटिव वर्ब्स होती हैं और अगर क्या और किसको क्वेश्चन पुट अप करने से हमें आंसर नहीं मिलता है तो वो कौन सी वर्ब्स होती हैं इन ट्रांसटिव वर्ब्स आई होप दिस इज क्लियर टू यू ना नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स आर फ्रेजल वर्ब्स अभी फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं

द मशीनरी ब्रोक हम अगर सिर्फ इतना पार्ट पढ़ेंगे द मशीनरी ब्रोक तो हम इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं मिल रहा अगर हम ब्रोक डाउन पढ़ रहे हैं या ब्रेक डाउन पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब होता है खराब हो जाना या रुक जाना खराब होकर तो इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलेगा द मशीनरी ब्रोक डाउन यहाँ पर डाउन जो है वो हमारा प्रिपोजिशन है सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ही ब्रोक अप विद हिज फ्रेंड अगेन ब्रेक की पास्ट टेंस है ब्रोक और उसके साथ हमने प्रिपोजिशन एड करी है अप

रेगुलर वर्ब्स अब ये रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं रेगुलर वर्ब्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई डी और डी टू दे रूट फॉर्म ये वो वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल टेंस बनता है उसमें ई डी या डी लगा कर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं वॉक तो वॉक में अगर हम ई डी लगा देंगे तो वॉक डो जाएगा ना उसकी पास्ट टेंस हो जाएगी सिमिलरली अगर हम जम्प uh, में ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा उसकी पास्ट टेंस हो जाएगी तो अगर हमें किसी वर्ब की पास्ट टेंस बनानी है और पास्ट टेंस बनाने के लिए हम उसमें बस ईडी या डी एड कर रहे हैं और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब वो वर्ब्स हमारी रेगुलर वर्ब्स होती है टेक एक द्जाम्पल्स ही वॉकड इन द गार्डन यहाँ पर वॉक में हमने ईडी डी एड करा तो यहां पर वॉकड हमारा रेगुलर वर्ब हो गया सिमिलरली द नेक्स्ट सेंटेंसेस दे पार्टिसिपेटेड इन द दम्पिटिशन पार्टिसिपेटेड को पास्ट पार्टिसिपेट uh, को पास्ट बनाने के लिए हमने क्या ऐड करा उसमें ईडीड करा डी एड करा है तो इसका मतलब ये भी हमारी रेगुलर वर्ब है अब आप सोच रहे हो कि ज्यादातर वर्ब्स तो ऐसे ही बनाई जाती हैं तो अब हम अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब पढ़ते हैं दैट इज इेगुलर वर्ब अब इेगुलर वर्ब पढ़कर हमें दोनों वर्ब्स का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि रेगुलर कौन सी होती है और इरेग्युलर कौन सी होती है इरेगुलर वर्ब्स हैव इेगुलर फॉर्म्स फॉर देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस इनकी जो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल टेंस होती है उनकी फॉर्म थोड़ी इरेगुलर होती है मतलब उसमें हमें ईड या डी एड नहीं करना होता उसमें हमें वर्ब के अंदर ही कुछ चेंज करना होता है फॉर एग्जाम्पल दे गेव अ वंडरफुल परफॉर्मेंस अब यहाँ पर गिव की पास्ट टेंस है गिव द पास्ट टेंस ऑफ गिव तो हमने यहाँ पर गिव में डी uh, या फिर ईड तो ऐड नहीं करा है ना? हमने इसमें आई की जगह ए यूज करा है तो इसका मतलब हमने वर्ब को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया विदाउट पुटिंग ई और डी इन द लास्ट इन द एंड ऑफ द वर्ब तो इसलिए तो गेव क्या हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब हो गया सिमिलरली द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज फॉरगॉटन अबाउट हर पास्ट लाइफ तो फॉरगॉटन में भी हमने ई या डी एड नहीं करा है हमने फॉरगॉट की ही फॉर्म थोड़ी सी चेंज करके फॉरगॉटन कर दिया है तो इसका मतलब यहां पर भी हमारी इरेगुलर वर्ब ही होगी आई होप द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इेगुलर वर्ब्स इज क्लियर टू यू रेगुलर वर्ब में ई डी या डी लगाएंगे और इरेगुलर वर्ब्स में हम वर्ब की स्पेलिंग को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स इज इन्फिनेटिवस अब ये इन्फिनेटिवस ना एक्चुअली थोड़ी सी रूट फॉर्म ही होती हैं वर्ब की द इन्फिनेटिव ऑफ व वर्ब इज लाइक द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब रूट फॉर्म मीन्स द बेस फॉर्म जो फर्स्ट uh, फॉर्म होती है वर्ब की दैट इज द रूट फॉर्म वी जस्ट एड टू बिफोर द रूट फॉर्म हमें रूट फॉर्म से पहले टी ओ टू एड करना होता है तो वो हमारा वर्ब इन्फिनेटिव बन जाता है फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू प्ले बैडमिंटन यहाँ पर टू प्ले क्या हो गया इन्फिनेटिव क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास टू वर्ब्स हैं फर्स्ट इज वेंट एंड नेक्स्ट इज टू प्ले वेंट इज द इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि गो को हमने पास्ट में चेंज करने के लिए ई डी या डी वगैरह कुछ नहीं लगाया है हमने उसकी स्पेलिंग को चेंज कर दिया है तो गो की जगह वेंट हो गया तो दिस इज द इेगुलर वर्ब ओके अब यहाँ पर बच्चा प्ले।, प्ले प्ले से पहले क्या आ रहा है टू तो टू प्ले हम एक साथ पढ़ेंगे और ये कौन सा हो गया इंफिनेटिव हो गया सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही कुड ओनली थिंक ऑफ जॉन टू आस्क अबाउट द सिचुएशन यहां पर हमारे पास अगेन वी हैव सम अदर वर्ब्स could is also a verb think is also a verb and ask is also a verb could is a modal humne apni pichli video mein padha tha ki what are modals similarly think is also the first form or the root form of the verb ab ask se pehle yahan par to laga hua hai तो जब किसी verb के साथ उससे पहले to लगा हुआ होता है, तो वो verb और to मिलकर क्या बनाते हैं? infinitives so say, uh, here to ask is the infinitive of a verb i hope this is clear to you नाउ लेटर्स स्टडी द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब ये जिरेन्ट्स होते हैं ये एक्चुअली वर्ब्स मतलब वर्ब्स होते हैं लेकिन दे एक्ट लाइक नाउन्स इसलिए आई हैड नॉट कंसिडर्ड इन दैम इन द इलेवन टाइप्स ऑफ वर्ब्स जिरे वर्ब्स विच एक्ट लाइक अ नाउन इन अन्टेंस वो नाउ नाउन की तरह एक्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस में लेटस टेक एग्जाम्पल्स रीडिंग इज अ गुड हॉबी यहाँ पर वॉट इज अ वर्ब नाउ यू विल से रीड वर्ब होती है अब उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग हमारी वर्ब हो गई लेकिन वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर रख रहे हैं और ये क्वेश्चन भी नहीं है हम सब्जेक्ट से पहले तो किसी हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं ना बट दिस इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब रीडिंग इज नॉट हेल्पिंग वर्ब इट इज द मेन वर्ब और इसको हम सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं तो हेयर दिस रीडिंग इज अ जरेंट इसमें इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी वर्ब को अगर सब्जेक्ट की जगह रखते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगाकर दैट बिकम्स जिरेंट सिमिलरली द नेक्स्ट सेंटेंस प्लेइंग बैडमिंटन कीप्स यू फिट हेयर प्लेइंग इज ऑल्सो अ जुरंट क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब में हमने आई एन जी लगा दिया और इसको सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दिया है तो इट हैज बिकम अ जुरंट आई होप ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर क्लियर टू यू एंड नाउ टूडे टॉपिक ऑफ वर्ब्स इज कम्पलीट वी हैव मेड टू वीडियोज इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव स्टडी द फाइव टाइप्स एंड द डिफिनेशन ऑफ वर्ब इन द सेकेंड वीडियो वी हैव स्टडी द लेफ्ट ओवर टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड ऑल्सो जूरेंट so if you have any doubts in any of the uh, type of work then you may uh, write in the comment box uh, i feel happy to reply and thank you so much for watching if you have liked the video don't forget to press the like button and share it with your friends so that they may also learn something new and uh, ask them to subscribe to the channel thank you so much for watching take care